नमस्कार नमस्कार दोस्तों, टेस्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ऑल इंडिया रैंक जो है वो आंसर आप कितना अच्छा और कितना बेहतर आंसर लिखते हो इसी के ऊपर निर्भर करेगा। और आपको और बेहतर बनाने के लिए टेस्ट बुक सुपर कोचिंग हमेशा आपके साथ है। और इसीलिए हमने आपके लिए जो 50 डे मेन्स आंसर राइटिंग सीरीज शुरू की थी उसमें वापस आज हम पॉलिटी का एक क्वेश्चन देखेंगे जो 2022 के मेन्स में पूछा गया था। अब देखने जाए तो जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो देखने के लिए बहुत ही आसान सवाल है, राइट? क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप बाय द ग्रास रूट्स, राइट? दिखने में बहुत आसान सवाल है, राइट? पर अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कॉन्टेंट लिखना है, किस तरीके से लिखना है, और याद रहे हमारे पास सिर्फ 150 वर्ड्स है, राइट? सो देयर फोर दिस बिकम्स अ चैलेंज। कंटेंट हमारे पास है बहुत, हमें पता है कि पंचायती में क्या प्रॉब्लम है, हमें पता है कि उसके सोल्यूशंस क्या होने चाहिए, राइट? बट एग्जैक्टली 150 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का डिमांड मीट कैसे करें, दैट इज़ अ चैलेंज। देर इज मेन्स में कभी भी आपको ये चैलेंज आप नहीं फेस करोगे कि आपके पास कॉन्टेंट की कमी है। आपका मेन चैलेंज होगा कि जो कॉन्टेंट आपके पास है वो आप रिक्वायर्ड वर्ड्स में कैसे फिट करते हो, राइट? उसी चैलेंज को आज पूरा करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, राइट? सो अभी एक काम करेंगे, आप पहले 10 मिनट लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, उसके बाद आप और मैं हम साथ मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सही डिमांड क्या था और इस डिमांड को हम कैसे फुलफिल कर सकते थे, ठीक है? चलिए, सो प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन, राइटिंग द आंसर। टेक आउट योर पेन एंड पेपर्स। मैं अभी टाइमर शुरू करूँगा, राइट? जैसे ही टाइमर शुरू हो जाएगा यू विल हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स, ओके? सो जस्ट 1 सेकेंड। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, आई एम स्टार्टिंग द टाइमर। तो टाइमर हैज स्टार्टेड, प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स। ऑल द बेस्ट।
लास्ट 40 सेकेंड्स लेफ्ट गाइस। सो द टाइम इज अप, यस प्लीज स्टॉप राइटिंग, आपका वर्क खत्म हो गया है। ओके लेट्स स्टार्ट विद अ डिस्कशन स्ट्रेट अवे, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका जो थीम है पंचायती राज, देखो पॉलिटी में ना कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जिसके ऊपर डेफिनेटली यूपीएससी सवाल पूछती है, राइट। तो वो थीम्स कौन कौन सी है? सो एक थीम है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, बीएसडी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर हमेशा आप एक क्वेश्चन देखोगे मेंस में। ओके दूसरा आपको सवाल आएगा फेडरलिज्म के ऊपर एंड इश्यूज विद फेडरलिज्म, ठीक है। एक सवाल डेफिनेटली आपको फेडरलिज्म के ऊपर देखने को मिलेगा, मींस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके देख लीजिए, आपको ये ट्रेंड आपको नजर आएगा। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे विल डेफिनेटली आस्क इज ऑन पंचायत्स। पंचायत के ऊपर डेफिनेटली एक सवाल तो आना ही आना है, एवरी ईयर का ये ट्रेंड रहा है। ओके तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन विच डेफिनेटली द क्वेश्चन विल बी आस्क टू यू। ओके नाउ पंचायत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो हमने पॉलिटी की क्लासेस हम करते हैं उन क्लासेस में हम पंचायत को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा कि यूट्यूब पर जब हम मेन्स आंसर राइटिंग का सेशन कर रहे थे फॉर पॉलिटी आंसर्स ओनली, तभी भी मैंने एक आंसर आपको आपसे लिखवाया था, और उस आंसर में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ओके मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि मैंने आपको एक 3F वाला फार्मूला बताया था विथ रिगार्ड्स टू पंचायत, राइट। मैंने बताया था कि अगर आप ये आपको ये 3F याद हो गए, आपको पंचायत के रिलेटेड कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। ये 3 F's क्या थे आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये 3 F की बात क्या कर रहे हैं सर। आने वाले स्लाइड में मैं उसकी बात ज़रूर करूँगा क्योंकि आंसर का कॉन्टेंट ही वही है, पर आप अभी मुझे बताइए कि वो 3 F's का फुल फॉर्म क्या है। FFF पहला F किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, दूसरा F किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, और तीसरा F किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। ओके टाइम एंड अगेन आई हैव बीन टेलिंग दिस, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझने की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट। मतलब भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन के परिदृश्य को किस हद तक बदल दिया है, और आपको आपकी राय बतानी है, आपको आपको ओपिनियन बताना है। तो आपका ओपिनियन दो चीज़ें हो सकती है, राइट। यू कैन हैव टू ओपिनियंस, वन ओपिनियन कैन बी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ है उसकी वजह से बहुत बढ़िया गवर्नेंस होने लगा है ग्रास रूट लेवल पे, या आपकी दूसरी राय हो सकती है कि नहीं बिल्कुल भी कोई अच्छी बात नहीं हुई डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये दो स्टैंड आप ले सकते हो, राइट। पर ये दोनों दोस्तों एक्सट्रीम स्टैंड हो जाएंगे। कोई भी चीज़ पूरी तरीके से अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज़ पूरी तरीके से बुरी नहीं होती, हर चीज़ में अपने अपने पॉजिटिव्स अपने अपने नेगेटिव्स रहते हैं। तो आपको इस आंसर में एक मिडिल पाथ अपनाना था, जहाँ पे आपको बताना था कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से बहुत सारे पॉजिटिव्स भी आई है, पर एट द सेम टाइम्स कुछ नेगेटिव्स भी आई है जिसकी वजह से इतना इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं हुआ है, राइट। सो यू हैड टू टेक द मिडिल स्टैंड। ओके अगर आप में से किसी ने भी एक्सट्रीम स्टैंड लिया होगा तो आप उतने मार्क्स नहीं फेच कर पाओगे जितने आप एक्सपेक्टेड होंगे, आपको एक्सपेक्टेड होंगे इस पर्टिकुलर आंसर से, राइट। तो अगेन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन का टॉपिक क्या होगा जो हम हमेशा करते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट इन ओपिनियन हैज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है ये मेरा टॉपिक हो गया, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज माई टॉपिक। ओके एंड टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन, तो मुझे बस अपना ओपिनियन अपनी राय पेश करनी है, राइट। ओके सो वापस अभी वही सेम सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं, हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस आर आंसर, राइट। हम इंट्रोडक्शन किस प्रकार से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि पहले जो आपकी पावर थी वो सेंटर और स्टेट की तरफ ही कॉन्सेंट्रेटेड थी,
सेंट्रल स्टेट के बीच में डिवाइडेड थी, पर डिसेंट्रलाइजेशन होने के कारण वो पावर अब लोकल लेवल्स पे भी आ गई है, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, यहाँ पर भी वो पावर को डिवाइड कर दिया गया है, राइट। सो आपको बताना है कि जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसके माध्यम से पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटीज को एस्टैब्लिश किया गया था, क्या उसके वजह से गवर्नेंस का जो मैकेनिज्म है या जो लैंडस्केप है ग्रासरूट लेवल पे, उसमें कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है, राइट। तो डेफिनेटली अगर मैं इस चीज़ का इंट्रोडक्शन लिखने जाऊँ, इफ आई वॉन्ट टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर, आई डेफिनेटली गिव अ कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन। मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से ये बदलाव लाया गया, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल द एग्जामिनर कि डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर इन इंडिया ट्रूली टुक प्लेस विद द पैसेज ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो अब एग्जामिनर को मैंने बता दिया कि इस इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंडिया में सही सेंस में हुआ। दीज अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। यूजुअली इंडिया में जब भी हम स्टेट लेवल या यूनियन लेवल की बात करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि आप या मैं वहाँ पे जाके डिसीजंस ले लेते हैं, प्रोवाइडेड कि आप में से कोई MP या MLA नहीं है, आप या मैं जाके संसद में डिसीजंस ले लेते, वोटिंग नहीं करते। हमने क्या किया है, हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनकर दिए हैं जो हमारे लिए वहाँ पर जाके डिसीजंस ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या है कि दीज अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अब 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट की वजह से क्या हुआ है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आई, क्योंकि ग्राम सभा में आप और मैं जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप और मैं हमारी राय, हमारे ओपिनियंस उस ग्राम सभा में रख सकते हैं, और हमारे ओपिनियन से फिर वो डिसीजन शेप होता है कि क्या उस विलेज में, क्या उस पंचायत में वो पर्टिकुलर पॉलिसी लानी चाहिए कि नहीं, राइट। सो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रमोट किया गया है, वेर इन पीपल वर एनेबल टू टेक द डिसीजन फॉर देमसेल्फ, जहाँ पे लोग अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो दिस इज माई सिंपल इंट्रोडक्शन टू माई आंसर, जहाँ पे मैंने बताया है कि किस डिसेंट्रलाइज्ड पावर किस अमेंडमेंट एक्ट की वजह से आया था और उसकी वजह से इंडिया में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कैसे बढ़ी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने मेरे इंट्रोडक्शन के माध्यम से बताई। अब वापस हमारा जो प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, जब भी इंट्रोडक्शन लिख कर हो जाए, वापस हम जाके क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, सो दैट हमें क्वेश्चन की आइडिया आ जाए। क्वेश्चन वापस यही कह रहा है कि टू वॉट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप बाय द ग्रास रूट्स, राइट। तो अभी मुझे बताना है कि किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे, लोकल लेवल पे क्या बदलाव आया है गवर्नेंस में। तो पहले तो मैं एग्जामिन को ये बताऊंगा कि भाई 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने की वजह से क्या चेंजेस हुए हैं, राइट। सो व्हाट आर द चेंजेस दैट आई हैव रिटन हियर, विद डिसेंट्रलाइजेशन द फॉलोइंग पॉजिटिव चेंजेस वर सीन इन द गवर्नेंस मैकेनिज्म। द फॉलोइंग पॉजिटिव चेंजेस वर सीन। अब ये पॉजिटिव चेंजेस कौन कौन से हैं, तो पहला इज अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो गई, ओके, इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड थ्रू द इंस्टीट्यूशंस लाइक ग्राम सभा। ग्राम सभा की वजह से जो लोग थे, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बन गई, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। अब सोशल ऑडिट की जैसे टूल्स आ गए ग्राम सभा के पास, तो ग्राम सभा के पास जब ये ऐसे टूल्स आ गए, सोशल ऑडिट विद द लोकल बॉडीज आर एक्टिंग लाइक अ डेटरेंस ऑन द गवर्नमेंट एंड फोर्सिंग देम टू एक्ट इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, उन्हें एक ट्रांसपेरेंट मैनर में फोकस काम करने को कह रहे हैं। तो ये गवर्नेंस में जो बदलाव आए उसके बारे में हम पहले बात करेंगे कि जी हाँ अकाउंटेबिलिटी आई है, जी हाँ ट्रांसपेरेंसी आई है। वुमेन और SC ST को रिजर्वेशन दिया गया है इन द लोकल बॉडीज, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो वल्नरेबल कम्युनिटीज थी उनको एम्पावरमेंट मिल रहा है, राइट। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज जो आ रहा है। इसके अलावा अब ये लोकल बॉडी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है डेवलपमेंट के प्रोसेस में, एग्जाम्पल थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्या करती है, विलेज लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे डेवलपमेंट प्लान्स को एग्रीगेट करेगी और फिर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान बनाएगी, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को ये विलेजेस अपने अपने प्लान्स भेजते रहते हैं। सो अगेन डेवलपमेंट प्रोसेस में लोग भाग ले रहे हैं, राइट। लोकल बॉडीज आर नाउ पार्टिसिपेटिंग। अर्लियर डेवलपमेंट टॉप डाउन अप्रोच होता था, जहाँ पे सेंटर या स्टेट डिसाइड करती थी कि क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और फिर वो नीचे तक आता था, पर अभी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज हो गई है जिसकी वजह से बॉटम अप अप्रोच होना शुरू हो गया है। तो ये सारी गवर्नेंस में आए हुए बदलाव हैं जो हमने एग्जामिनर को बता दिए, ओके। अब हमें ये बताना है कि क्या ये बदलाव एक्चुअल में हुआ है कि नहीं। हमने बताया कि ठीक है, हमें देखने को तो मिल रहा है, लाइक ऑन पेपर एंड ऑन ग्राउंड थोड़ा बहुत हमें अकाउंटेबिलिटी, थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी, थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, पर क्या ये पार्टिसिपेशन, क्या ये अकाउंटेबिलिटी, क्या ये ट्रांसपेरेंसी 100% आई है कि नहीं, ओके। और इसके लिए फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाके हम एग्जामिनर को बताएंगे कि
ये सब चीज़ें तो हुई है, पर इन चीज़ों के होने के बावजूद अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होनी की बाकी हैं। वो चीज़ें क्या है, वो इस पैराग्राफ में हमने एग्जामिनर को बताया। हमने एग्जामिनर को बताया कि हावेवर इन स्पाइट ऑफ द अबाव पॉजिटिव चेंजेस फॉलोइंग आर सम ड्रॉबैक्स दैट द लोकल इंस्टीट्यूशंस फेस। कि लोकल इंस्टीट्यूशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। पहला क्या है, डमी रिप्रेजेंटेशन। आपने वो पंचायत वेब सीरीज देखी होगी जहाँ पे सरपंच पति करके एक पोस्ट थी, है ना। डीएम गुजरती रहती है हाईवे से, वो देखती है कि सरपंच पति, वो आके पूछती है वो सचिव से, क्या ये कोई नई पोस्ट है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, राइट। तो यही हाल हो रहा है। पिछले वाले स्लाइड में हमने बात की कि हमने वल्नरेबल सेक्शंस को एम्पावर किया है, पर क्या ट्रूली एम्पावरमेंट हुई है? क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, टू वॉट एक्सटेंट, राइट, टू वॉट एक्सटेंट, तो किस हद तक हुआ है ये हमें बताना है। तो डमी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, एज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इनकरेक्टली यूज, एज रिजर्वेशंस आर इनकरेक्टली यूज, जैसे कि द कंसेप्ट ऑफ सरपंच पति। ओके, इसके अलावा लोकल इंस्टीट्यूशंस के पास सब्सटेंशियल फाइनेंशियल पावर नहीं। आपको पता होगा कि टैक्स कलेक्टिंग पावर ग्राम पंचायत के पास नहीं है, राइट। तो इसके वजह से वो खुद का, उनके पास कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है। अब जिसके पास खुद का फाइनेंस नहीं, वो किस तरीके से गवर्नेंस में क्या एक मार्क थ्रू चेंज ले लेकर आ सकता है या नहीं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। उसके बाद हमने देखा कि जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो अब तक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखे, क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने बोला था कि इवेंचुअली स्टेट गवर्नमेंट्स अपने में से कोई फंक्शंस उठा के इन लोकल बॉडीज को दे देंगी। पर आज तक बहुत ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने अपने पास ही सारे पावर्स रखी है, लोकल लेवल पे पावर्स नहीं दिए। तो वही थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट डिवॉल्व सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू द लोकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हेल्थ और सैनिटेशन स्टिल रिमेन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे कोविड का एग्जांपल में आपको कोविड के केसेस में आपको पता होगा कि द पंचायत वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर फंड्स, फॉर फंक्शंस, फॉर फंक्शनरी, सारी चीज़ों में वो डिपेंडेंट थे, राइट। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बहुत ही पूरा है, लैक अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, कहीं के पंचायत ऐसी है जहाँ पे अब तक इंटरनेट नहीं आया। इंटरनेट आजकल 21st सेंचुरी की साज बन गई है, इट इज़ अ ब्रेथ ऑफ द 21st सेंचुरी। सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से हो रही है, पर अभी भी ऐसे कुछ पंचायत है जहाँ पे सादा कंप्यूटर, सादे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारे पंचायत फेस कर रही है। तो उसके जिसके वजह से गवर्नेंस, ऑब्वियसली गवर्नेंस हैम्पर होगा, क्योंकि जब जब आप गवर्नेंस और फिर एम गवर्नेंस और ई गवर्नेंस की बातें करते हो, द बेसिक थिंग इज आपके पास एक डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, पर वही बहुत सारे पंचायत के पास आज तक नहीं है। तो इसके वजह से गवर्नेंस में किस हद तक बदलाव आया है ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आज भी हमारे पंचायत फेस कर रही है। तो जो मैंने आपको 3 F's के बारे में बोला था, राइट, जो शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि 3 F क्या है, तो पहला F हो गई फाइनेंस, फंड्स, राइट, फंड्स या फाइनेंस। दूसरी हो गई फंक्शंस, और तीसरा हो गया फंक्शनरीज, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, फिर वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मैन पावर हो, दोनों चीज की कमी है, राइट। तो अभी हमने पहले पैराग्राफ में, इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने एग्जामिनर को क्या समझाया, हमने समझाया कि भाई ये सारी बदलाव आए हैं, पर आपने अगर हमें पूछा कि किस हद तक आए, तो जी नहीं, बहुत हद तक नहीं आए, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको जो स्क्रीन के हमने सेकंड पैराग्राफ में बताए, ये दर्शाते हैं कि कुछ ज़्यादा लिमिट तक आपने कुछ बदलाव नहीं किए हैं, राइट। और इसी से हम कंक्लूड करेंगे कि इन द लाइट ऑफ द अबाव डिस्कशन, इट कैन दस बी कंक्लूडेड दैट ऑल्दो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वॉज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, अच्छा कदम था डिसेंट्रलाइजेशन, परंतु इट हैज़ नॉट बीन एबल टू अचीव इट्स फुल ऑब्जेक्टिव। वो अपने पूरे जो उसके उद्देश्य थे, पूरे के पूरे उद्देश्य अभी तक वो अचीव नहीं कर पाया। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर टू मेक दिस इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड डिवॉल्व देम विद ग्रेटर फंक्शंस। इनको और पैसे और फंक्शंस देने की ज़रूरत है। ओके, सो दैट वॉज अबाउट दिस पर्टिकुलर आंसर, दैट इज़ वॉट वी मेड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का डिमांड समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या लिखना था, और हमने किस प्रकार से एग्जामिनर को ये बताया कि किस हद तक हुआ है। हमने कहा है कि जी हाँ, ये सही कदम है, पर अब तक पूरे ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव हो सके, इसलिए आप जो गवर्नेंस की बात कर रहे हो वो पूरे हद तक नहीं हो पाया है, राइट। दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन। नाउ लास्ट विल बी गेटिंग सम आइडिया अबाउट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों, अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, बेस्ट मॉक टेस्ट और बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको घर बैठे बैठे मिले, आप ये चाहते हो कि इन सब चीज़ों के लिए आपको आपका घर छोड़ के बड़े बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको घर बैठे बैठे हम 30+ कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। वी आर प्रोवाइडिंग यू विद 30+ कोर्सेज। ये 30+ कोर्सेज आर बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, अब इन 30 कोर्सेज को हमने स्ट्रक्चर कैसे किया, वी हैव स्ट्रक्चर्ड देम इनटू GS कोर्सेज एंड सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज।
राइट। तो टोटल वी हैव नंबर 6 नंबर ऑफ जीएस कोर्सेज एंड 7 सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज। इसके अलावा हम आपके लिए ऑप्शनल कोर्सेज भी लेकर आए, जिसमें जो मेजोरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, जैसे कि सोशो, पबैट, पीएसआईआर, ये सारी चीज़ें हमने कवर की है। इसके अलावा हम आपको सीसैट की अलग क्लासेस भी दे रहे हैं, राइट। इन वीडियो कोर्सेज के अलावा हम आपके लिए डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस लेकर आए, मॉक टेस्ट लेकर आए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आए और स्टडी नोट्स भी लेकर आए। अब इन सारी चीज़ों के अलावा जो मैंने कहा कि अगर आप इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ना चाहते हो, तो ये बेस्ट फैकल्टीज़ हमारे प्लेटफॉर्म के साथ यानी टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि श्री राम सर हो गए या सलामुद्दीन अंसारी सर हो गए या इन जैसे 20+ टीचर्स जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं और आपको आप इनसे सीख सकते हो, इनसे पढ़ सकते हो। इन सुपर टीचर्स के अलावा जो टेस्ट बुक फैकल्टीज़ की इन हाउस टीम है, ये इन हाउस टीम भी आपके डेली बेसिस पर आपके क्लासेस लेती है और आप इनसे भी डेली बेसिस के ऊपर इंटरेक्ट कर सकते हो, आप अपने डाउट्स इनसे सॉल्व करवा सकते हो। और जब मैं अफोर्डेबिलिटी की बात करता हूँ, तो जहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे 2 लाख से भी ज़्यादा फीस ले रही है और ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे 50,000 से भी ज़्यादा फीस ले रही है, वहीं पर टेस्ट बुक सुपर कोचिंग आपको जीएस कोर्सेज, जिसमें आपकी प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, ऑप्शनल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ और स्टडी नोट, सारी चीज़ों की आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 39,999 में प्रोवाइड हो रही है, मतलब 40,000 में। पर आपको 40,000 भी नहीं भरने, क्यों? क्योंकि जब ये भी आपको नहीं भरना, यू डोंट हैव टू पे दिस, बिकॉज पेमेंट करते वक्त आप मेरा ये वाला कूपन कोड यूज़ करोगे जो है मेरा नाम आकाश, AAKASH। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो, आपको इंस्टेंट कितना डिस्काउंट मिलेगा, 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा और आपको पूरा कॉस्ट विल बॉयल डाउन टू ओनली 29,999 फॉर 12 मंथ्स। ओके, सो यू कैन गो एंड बाय योर सब्सक्रिप्शन टुडे। दोस्तों, आज के आंसर राइटिंग में इतना ही, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये हमारा आंसर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।